अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं शक्लैंत जम्मल और आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएस 2023 के एसए पेपर में से एसए नंबर 6, जो के है ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट आल्सो मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। नाज़रीन, आपको पता है जी कि सीएसएस के एसए जो हैं थोड़े से अनकन्वेंशनल आ रहे हैं और इसी वजह से हमने फैसला किया है कि हम इस चैनल पे भी और वैसे भी जो लोग मेरे से इवेल्यूएशन करवा रहे हैं उनको भी मैं यही अब रिकमेंड करता हूँ कि आप लिटरेरी एसएस की तरफ थोड़ा सा आना शुरू कर दें। ये एक लिटरेरी एसए नहीं है, लेट अस बी वेरी क्लियर, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है। यही वजह है कि इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स में आपको बता दूंगा किस तरह से इस एसे को डाइसेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। वो एक तो पर्सपेक्टिव मैं आपको दे देता हूँ, एक जो है वो अनफेवरेबल पर्सपेक्टिव भी है, जैसे कि जो काउंटर नैरेटिव में आता है तो उसकी तरफ नहीं जाना था आपने। बेहतर है कि ऑनलाइन एजुकेशन नई चीज़ है और सारे लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, सो अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं यू शुड हैव वेरी कंक्रीट आर्ग्यूमेंट्स, जो कि और ये मैं रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल इफ़ यू हैड दोज और आप गए हैं दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में ये है जी कि ये टाइप है इसकी आर्गुमेंटेटिव, आपने इसके आर्गुमेंट्स देने थे, कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा सा करना था और फिर आपने उसके चैलेंजेस को इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है वो भी जैसे भी आप देना चाहें पॉसिबल डायमेंशंस पे आ जाते हैं। इसमें मज़ीद आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, अगर आप टॉपिक को देखें तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो कन्वीनियंस वाला एलिमेंट है और इफेक्टिवनेस वाला है, इन दोनों को अलग-अलग एड्रेस करें। ठीक है, दिस इज़ अ मोर कंक्रीट या फिर इफेक्टिव अप्रोच, गिवन द फैक्ट के आपको दो वहाँ पे नाउन नज़र आ रहे हैं और दो क्वालिटीज नज़र आ रही हैं। अगर आप उनको अलग-अलग से एड्रेस करते हैं तो एग्जामिनर माइट बी शिफ्टेड या फिर टिल्टेड टूवर्ड्स गिविंग यू बेटर मार्क्स के जनाब ये बंदा जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ही नोज हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर और इसको पता है जी कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कन्वीनियंस में आ रहे हैं, कौन से पॉइंट्स जो हैं इफेक्टिवनेस में आ रहे हैं, और इसने टॉपिक को बहुत कम्प्रिहेंसिव वे में एड्रेस किया। तो यही वजह है कि अगर आप इसको इस तरह से एड्रेस करते या फिर इस तरह से एक्सपेंड करते तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी गुड एसे। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने किया है वो मुझे पता है, वो क्या है, वो आपने नंबर 4 या एक्चुअली नंबर 3 है, सुप्रेमेसी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, उसके चैलेंजेस सॉल्यूशंस वगैरह दे के आपने उसको लिख लिया होगा। दैट इज़ ऑल्सो फाइन इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश, अगर आपके रेफरेंसेस ठीक हैं, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा हुआ है और आउटलाइन जो है वो सोफिस्टिकेटेड वे में और जो उसकी कोहरेंस है या फिर पूरे एसे की कोहरेंस है उसको बरकरार रखा है आपने, आपने आउटलाइन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको ठीक रखा है, तो इट वुड मोस्ट प्रोबेबली पास। डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं या किस तरह का ऐसे उसको पसंद आ जाता है, उसी तरह का एक और बंदे ने ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो मे भी तो उसको फेल कर देते हैं, बट दैट इज़ टोटली द डिस्क्रेशन ऑफ द एग्जामिनर। वी आर हेयर टू डिस्कस द टॉपिक हेयर। तो पॉसिबल डायमेंशन में पहली दो तो मैंने आपको बता दी कि एक आप उसके किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा कन्वीनियंट है उसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा आप बात करें जी कि किस तरह से वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, इनके अलग-अलग पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आपने नहीं करना था या जो मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि आपको नहीं जाना चाहिए अगेंस्ट द टाइड इफ़ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज या बहुत कंक्रीट आर्गुमेंट्स आपके पास नहीं है, सो यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द टाइड। वो है जी कन्वीनियंट बट नॉट इफेक्टिव। आप उसके अपोजिट कह रहे हैं कि जनाब ठीक है ऑनलाइन लर्निंग जो है कन्वीनियंट तो है लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी आप कर सकते थे बट स्टिल नॉट शुड नॉट हैव डन। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस थी जो भी आप कहना चाहें। पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जी आगे, मोर कन्वीनियंट, किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक तो ये है कि जी फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग है, आप उसका शेड्यूल कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह 6:30 या 7 बजे क्लास रखनी है, आप उसको 11-12 बजे करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है 10-11 बजे उठते हैं, आप 12 बजे भी क्लास रख सकते हैं, आप शाम के टाइम भी क्लास रखते हैं, रात के टाइम भी क्लासेस अक्सर होती हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग है, वेरी कन्वीनियंट।
फिर है जी ईज ऑफ एक्सेस फॉर, अब काफ़ी सारे ग्रुप्स के लिए ये इसके इसमें ईज ऑफ एक्सेस है वो एक्सेसिबल है, किन के लिए, फॉर एग्जांपल टीचर्स, जो टीचर्स हैं उन्हें उन्होंने अपने बाइक्स वगैरह पे आना है, बसेस पे आना है, पैदल आना है, जैसे भी आना है, उनके लिए भी कन्वीनियंट है कि वो घर बैठ के पढ़ा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, जनरली स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ईज ऑफ एक्सेस है, और मोर स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स, कि गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, फिर टाइमिंग ऑफ द स्कूल वगैरह, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इन पैट्रियार्कल या फिर थोड़ी सी डिस्टर्ब सोसाइटी लाइक आर्स इन पाकिस्तान, के वो लड़की देखी नहीं तो उसको मोलेस्ट करना शुरू कर दिया, कैट कॉलिंग है, पीपल गर्ल्स आर सब्जेक्टेड टू रेप एंड ऑल टाइप्स ऑफ थ्रेट्स एंड मोलेस्टेशन। सो उनके लिए ईज ऑफ एक्सेस है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर गर्ल्स, ठीक है जी। फिर है जी PWDs, यानी कि पर्सन विद डिसबिलिटीज, उनके लिए बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि बजाय ये कि उनके लिए स्पेशल बसेस चलाएं, अकबर तो बसेस चलती नहीं है, अगर चलती भी हैं तो वो बहुत थोड़ी हैं और सारे इलाके कवर नहीं कर रही होती, ठीक है जी। तो पर्सन विद डिसबिलिटीज़ जो हैं वो अपने घर के कम्फर्ट से अपने ईज में रह के ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन ही उन्होंने पढ़ाई करनी है, टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन ही एक्रेडिटेशन हो जाएगी उनकी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन सॉरी, ठीक है। तो इट इज़ डेफिनेटली इजी फॉर ऑल दीज ग्रुप्स, ठीक है, यही वजह है कि ये कन्वीनियंट है। फिर अजी रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इसलिए भी कन्वीनियंट है कि जनाब जो आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, सारे लोगों ने ज़ाहिर आ जाना सुबह सुबह, जो रक्शे और वैगने कैरी डब्बे वगैरह भर के जा रहे होते हैं स्कूल्स कॉलेज की तरफ, वो आपको नहीं चलाने पड़ेंगे, ठीक है। सारे लोग जो है सुबह सुबह उठेंगे, ब्रश किया, नाश्ता किया और पूरे 8 बजे आप कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे जूम ऑन करके बैठे होंगे, तो दैट डिक्रीजेज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। फिर है जी एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ रिसोर्स मटेरियल्स, कि आपके पास जब आप वैसे स्कूल जाते हैं तो यू हैव जस्ट योर बुक्स, ठीक है जी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का ये भी फायदा है कि आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, PDFs बहुत ज़्यादा होते हैं, रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अब हर चीज़ जो है आप प्रिंट करके नहीं पढ़ सकते, बट योर टीचर कैन रीड देम विद यू वी आर द जूम मीटिंग्स और वी आर गूगल मीटिंग्स, व्हाट्स एवर यू मे कॉल इट, ठीक है। तो उस सब से रिसोर्स मटेरियल्स आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी रिसर्च, आपकी एजुकेशन मज़ीद बेहतर हो सकती है थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। सिमिलरली मिनिमलाइज्ड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज जो है ऑलरेडी वो टाइम के साथ साथ वर्सन हो रहा है, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमल है ऑनलाइन एजुकेशन का, ठीक है। नो डाउट के जो कंप्यूटर चल रहे हैं, टावर्स हैं जो उन्होंने ऑपरेट करना है, उनकी हीट जो है वो तो एग्जॉस्ट होगी या फिर एमिट होगी क्लाइमेट वेदर में या एनवायरनमेंट में, बट द पॉइंट इज कि क्लाइमेट चेंज को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना कि सॉक्स नॉक्स या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो कि ट्रांसपोर्टेशन से एमिट होते हैं वो करते हैं, ठीक है जी। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ प्लस एंड दिस मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर अस। फिर है जी सेव्स टाइम, कि आपका जो आने जाने का टाइम है और आपकी जो थकन है आने जाने के टाइम में वो बहुत मैटर करती है, तो अगर आप वो वाला टाइम बचा लेते हैं, यू कैन पुट इट टू बेटर यूज़ एट सम अदर टाइम ऑफ द डे, कि आपने जो घंटा डेढ़ जो है आने और जाने में लगाना था, वही रिक्शे पे बैठे हैं, फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, उधर गर्मी में सड़ रहे हैं, व्हाट्स एवर, फिर घर आते हैं आप जल्दी से 1.5 गिलास पानी पी जाते हैं क्योंकि आपको प्यास बड़ी लगी हुई है, तो आप वो सारा जो टाइम आपने सेव किया है, आप अपनी क्लास के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट लेते हैं कि आई हैव कंज्यूम्ड इनफ मटेरियल इन द क्लास, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, ब्रेक ली, फिर मैं अपना जो टाइम मैंने बचाया है मैं उसको किसी बेहतर यूज़ पे लगा सकता हूँ, ठीक है जी। सो दिस ऑल शोज़ के ऑनलाइन एजुकेशन इज़ मोर कन्वीनियंट। फिर आता है जी मोर इफेक्टिव, किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव है ऑनलाइन एजुकेशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्लास इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। क्या है कि जो आपने अटेंडेंस का रजिस्टर लेना है या फिर चौक से लिखना है व्हाट्सएप, उसके ऊपर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। जबकि जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, एक एंटर प्रेस करने से आपकी अटेंडेंस लग जाती है, दैट ऑल मेक्स इट वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव, ग्रेटर एफिशिएंसी है।
फिर है जी क्रिएटिविटी इज़ एनहांस्ड, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस करते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो हैं वो यूज़ करने का मौका मिलता है कि जो वाइट बोर्ड है फॉर एग्जांपल जूम में आप उसको यूज़ करते हैं, फिर इमेज शेयरिंग वगैरह उसको सर्कल किस तरह से करना है, प्रेजेंट किस तरह से करना है, तो आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है कि आप मज़ीद क्रिएटिव वेज से अपने क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर आर डिजिटल टुमारो, कि आपको पता है जी कि 21वीं सदी जो है ये डिजिटल है और हमें फ्यूचर भी जो है वो डिजिटल ही नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल यूवाल नोआ हरारी ने भी कहा था कि फ्यूचर इज़ डिजिटल, सो दैट इज़ द केस हेयर कि अगर आपने टुमारो या फिर फ्यूचर में रहना है यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। और वो कैसा होगा, वो ऐसे ही होगा कि जो डिजिटल वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा है आप उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। भाई हमने कल को क्लासेस पढ़ानी है उनकी अभी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने कल को ऑनलाइन जो है वर्क करना है उसमें हमें कौन कौन से मसाइल पेश आ सकते हैं या फिर उसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म कैसी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट मैटर्स फॉर योर टुमारो। तो अगर ये आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं देन दैट प्रिपेयर्स यू फॉर अ डिजिटल टुमारो विच इज़ वेरी इफेक्टिव। फिर है जी इट कैन रिमूव एजुकेशनल डिस्पैरिटीज दैट आर कॉज्ड बाय सोशल बाइसेस। अब काफ़ी सारी एजुकेशनल बाइसेस हैं या डिस्पैरिटीज हैं जो कि सोशल बाइसेस की वजह से, फॉर एग्जांपल गर्ल एजुकेशन, के लड़कियों की तालीम नहीं, क्यों नहीं जी बस लड़कियों को घर में रहना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, व्हाट्स एवर, तो ये सोशल बाइसेस हैं। और डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ या फिर डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन आप कह सकते हैं इसको, उस सब से आप बच सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्ची जो है वो कैमरा के आगे अगर आपने उसको निकाब भी करवा के बिठाना है तो बिठा दें, दैट इज़ टोटली फाइन। तो आपको ये डर नहीं होगा कि जी बच्ची बाहर जाएगी और बच्ची को कोई मोलेस्ट ना करे या फिर ऑल दैट, इवन दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, और इस तरह का होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के डर होते हैं सारे पेरेंट्स को होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। जो सोशल बाइसेस की वजह से एक तो ये डर खौफ है, दूसरा ये है कि उनके खिलाफ थोड़ा सा पैट्रियार्कल या फिर थोड़ा सा नेग्लिजेंट बिहेवियर है उसको कर्टेल किया जा सकता है आप ऑनलाइन एजुकेशन से कर सकते हैं, सो दिस इज़ अगेन मोर इफेक्टिव। फिर है जी बेटर एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स, के जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, यू कैन बी आस्क टू ड्रॉ अ पिक्चर या फिर ड्रॉ अ टेबल ऑन द वाइट बोर्ड वेरी क्विकली, इन कंट्रास्ट आपकी जो बड़ी क्लासेज हैं, नाउ इमेजिन के 60 बच्चों की क्लास है वो पीछे 10वीं लाइन में से किसी हमजा को उन्होंने बुलाना है जी के आके यहाँ पे टेबल ड्रॉ करें, सबसे पहले वो आएगा, फिर वाइट बोर्ड जो है उसको डस्टर के साथ साफ किया, फिर चौक लिया, चौक गंदा हो गया या हाथ गंदे हो गए, चौक खत्म हो गया, सारा कुछ है, उस समय टाइम वेस्ट होता है। वाइट बोर्ड जो जूम वाला है उसको आप एक क्लिक से इरेज कर सकते हैं, सो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द टाइम, ठीक है, आपको आपके टाइम की बचत है और आप ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। सिमिलरली बेटर एंगेजमेंट के अलावा के लर्निंग आउटकम्स भी बेहतर हैं, जो ये रिसर्च से साबित है या फिर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 1-1.5 साल में जिन्होंने बताया है जी कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स भी अच्छे हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आपने MCQs वाला या सिंपल 1-2 क्वेश्चन का पेपर कर लिया तो आपके आपकी लर्निंग आउटकम्स अच्छे हैं, नहीं, उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग है या फिर उनसे सवाल किए जाते हैं, उनका वायवा वगैरह लिया जाता है, सो दे हैव शोन टू बी बेटर एज कम्पेयर टू दोज दैट वर टॉट इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, ठीक है जी। काउंटर नैरेटिव पे आते हैं, अगेन ये आपने लिखना तो नहीं है बट स्टिल इफ़ यू हैव इफ़ यू वांट टू राइट या फिर कुछ चीज़ें आपको उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में पता होनी चाहिए, नियरली यही चीज़ें हैं, एक तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी जो कि हमारे चैलेंजेस भी बन जाएंगे, ठीक है जी, सो ये ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। लर्निंग इज़ नॉट एज गुड, लर्निंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है जी, उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जनाब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना उनकी लर्निंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, हमने देख लिया ये। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट, भाई के जो रूरल एरियाज़ में हैं या फिर थोड़े से ट्राइबल या माउंटेनस एरियाज़ हैं उधर के बच्चे शिकायत करते हैं जी कि हमारे इलाके में सिग्नल ही नहीं आते, वाईफाई नहीं है, घर में वाईफाई नहीं लगवाया जी कि हम गरीब हैं, और इसके अलावा जो सेलुलर नेटवर्क है वो शेक होता रहता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, तो उसकी वजह से क्लासरूम में पार्टिसिपेशन जो है वो नामुमकिन हो जाती है, या फिर हम काफ़ी सारे पैचेस में हम क्लास ले रहे हैं, क्लास हमारी पूरी हमें समझ ही नहीं आती, ठीक है जी, सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी ट्रू।
सिमिलरली चीटिंग के ऑनलाइन लर्निंग जो है उसमें एक बच्चा जो है लैपटॉप या कैमरा वगैरह सामने रख के बैठा हुआ है और टीचर जो है उसको देख रहे, बट इसमें चीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक पॉसिबल है। गिवन दैट कि मेरे सामने अब इतना सा फ्रेम है, इतना होगा आई गेस डिपेंड ऑन कि आपको कितना नज़र आ रहा है बैक से। तो अगर मेरे राइट साइड पे आगे करके थोड़ा सा मेरा कोई कज़न भाई बैठा हुआ है तो ही कैन डू द रिसर्च फॉर मी, या फिर कोई क्वेश्चन मुझे आया है वो जल्दी से देख के तो उसको सर्च करके मुझे साइलेंटली दिखा सकता है, या फिर समवन कैन इवन गिव एग्ज़ाम इन माय प्लेस कि मैं बाहर बैठा नाश्ता कर रहा हूँ, मेरी जगह पे मेरा बड़ा भाई आके एग्ज़ाम दे दे कि यार इस बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए। सो चीटिंग इज़ देयर, और यही हमने काफ़ी इंस्टेंसेज में नोट किया है कि वाकई टीचर्स कहते हैं जी कि चीटिंग बहुत होती है और स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन। अगर यही जो स्टूडेंट हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में जब आते थे तो इनकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं थी होती, अटेंडेंस पूरी हो भी जाती थी फिर भी 50-60 नंबर के अराउंड ये गिर जाते थे। अब ये ए ग्रेड ले रहे हैं, कोई बी प्लस ले रहे हैं, वट इज़ दिस? ठीक है, तो ये भी है एक एस्पेक्ट। टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट कि काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो ट्रेडिशनलिज्म के में फंसे हुए हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, थोड़ी बहुत वो फेसबुक ऊपर नीचे कर लेते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेते हैं, लेकिन उनको जूम को यूज़ करना नहीं आता, इफेक्टिवली उसको मॉनिटर या एडमिनिस्टर करना नहीं आता। ठीक है, उनके लिए ये परेशानी का बायस है और कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, हम ट्रेडिशनली जो है ना पढ़ा रहे हैं, बाकी काम ठीक है। फिर है जी कम्प्रोमाइज द सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के आप जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं रोज़ाना, आपने हैंडशेक करना है, एक दूसरे मुस्कुरा के मिलना है, तमीज़ से बात करनी है, उसके अलावा आपस में बॉन्डिंग होती है, आपने टीम्स वगैरह बना के ब्रेक में खेलना है, सारा कुछ है, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है जी ऑनलाइन लर्निंग में, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के भाई ये एक वाकई जेन्युइन क्रिटिक है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कि सोशल लर्निंग जो है या फिर सोशल इंटरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है ऑनलाइन लर्निंग में। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट, इसके बारे में रिसर्चर्स जो है वो सोच रहे हैं। चैलेंजेस पे आ जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट इन्हीं की तरह के होंगे, कंसर्न्स ओवर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन इक्विटेबल एक्सेस टू इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज बता चुके हूँ जी, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग के, टीचर्स इसीलिए इसको मुश्किल समझते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। फिर है जी हैकिंग एंड साइबर अटैक्स, आप लोगों ने अगर YouTube वगैरह या दूसरे चैनल्स फेसबुक वगैरह पे भी वीडियोस देखी होंगी तो जूम रेड्स होती हैं जिनको उस टिपिकल जो वर्ड है वो जूम रेड है, या फिर ये है कि जी कोई भी बच्चा शरारत करता है वो क्लास का लिंक जो है किसी यूट्यूबर को किसी हैकर को दे देता है कि आप क्लास में आके थोड़ा शुगर लगाएं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। अब उससे बच्चे किन किन चीज़ों की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, म्यूज़िक की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, या वो किस तरह की मीम्स भेज रहा है, किस तरह की चैट कर रहा है, किस तरह से वो टीचर को तंग कर रहे हैं, टीचर का मोरल डाउन होता है, ये सारा कुछ है। तो हैकिंग और साइबर अटैक्स डेफिनेटली अ जेन्युइन कंसर्न अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन। चीटिंग है, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, मैं सारे बता चुका हूँ जी आपको। टीचर ट्रेनिंग सॉल्यूशंस पे आते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेन किया जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, स्पेशली जो उनके अपने मॉड्यूल्स हैं उनको उन्होंने किस तरह से पढ़ाना है, जो ऑनलाइन टूल्स हैं उनको इफेक्टिवली आप किस तरह से यूज़ करेंगे, और पूरी क्लास को किस तरह से मैनेज करना है, सारों को म्यूट किस तरह से करना है, किसी ने हैंड रेज किया है तो उसको अनम्यूट कैसे करना है, सारा कुछ इट ऑल शुड बी टॉट इन टीचर ट्रेनिंग। अदर देन दैट दे शुड ऑल्सो बी टॉट अबाउट द मैनर्स ऑफ ऑनलाइन मीटिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर की जो सेटिंग है उधर से आप लेक्चर डिलीवर करना चाहें तो आप बनियान में बैठे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो यू शुड हैव योर प्रॉपर अटायर। फिर है जी एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज टू द प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन देनी है तो उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज उसकी तरफ डाइवर्ट करें, ज़्यादा सेलुलर नेटवर्क के टावर्स लगाएं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक जो है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी यकीनी बनाई जा सके। सिमिलरली आप जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सब्सिडीज दे सकते हैं जी, कि आप अगर टैबलेट लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो अगर 15,000 का टैबलेट है तो उसमें से 6,000 स्कूल पे करेगा या गवर्नमेंट पे करेगी। यू दिस ऑल ऑफ दिस इज डूएबल इफ देर इज विल इन द पोलिटिकल कॉरिडोर्स या फिर जो डिसीजन मेकर हैं। ठीक है जी,
बीफिंग अप इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी जो है उसको ना सिर्फ सॉफ्ट बल्कि हार्ड फॉर्म में भी आपने बीफअप करना होता है। अगर आपका हार्डवेयर जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर को चला सके, या फिर हार्डवेयर कमज़ोर है, तो फिर भी साइबर अटैक्स जो है उसके ऊपर हो सकते हैं। इट इज़ मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। लेकिन आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनानी है, बहुत अच्छी करनी है, ताकि कोई भी आपके सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके, कोई आके आपकी क्लास को डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसा कुछ ना हो, कोई नाखुशगवार वाक्या ना हो। एंड इंश्योरिंग दैट क्वालिटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि ये इंश्योर करना है जो भी आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। टीचर्स से और स्टूडेंट्स दोनों से फीडबैक लें, फिर करेक्टिव मेजर्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या थोड़ी सी लोअर हो रही है, तो उसको दोबारा से बूस्ट करने का क्या तरीका है, इसके बारे में मीटिंग्स हो सकती हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ठीक है जी, ब्रॉड बेस्ड डिसीजंस लें। तो इस सारे से आप ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो उसके करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ जी, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और इफेक्टिव भी है। और डाटा में आप थोड़ा सा इधर डाटा अपना पुट कर लेंगे, इस तरह का आप पेज बना लें, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डाटा पुट कर लेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च है, कितने परसेंट उन्होंने कहा था, क्या है, व्हाट्सएवर, उसको बाद में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा बहुत आप डाटा डाल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि हर एक पैराग्राफ में डालें, लेकिन कोई दो चार पैराग्राफ्स में आपने एक दो फैक्ट एंड फिगर डाल दिया तो एग्जामिनर खुश होता है कि वैरायटी ऑफ नॉलेज है, सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं है, इसके पास डाटा भी है, आर्गुमेंट्स भी हैं, और रेफरेंसेस भी अच्छे हैं, और क्वालिटी ऑफ थॉट जो है वो बहुत अच्छी है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर ऑन आर रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और इस लर्निंग सर्कल का हिस्सा बन लें। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जिन लोगों ने इवेल्युएशन करवानी है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, बट स्टिल आई हैव 5 स्लॉट्स लेफ्ट राइट नाउ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनका सेशन पूरा हो गया। उनके लिए ये नंबर है जी स्क्रीन पे, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड गेट यू कैन गेट योर एसेस इवेल्युएटेड फ्रॉम मी। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम मे बी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे या एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन के व्हाट आई एम डूइंग टुमारो। So I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.